आने वाला समय है, अगर यूएसए कोल का रेट इस तरह का ही रहा, पहले रेट था 9000 रुपये टन और आज की जो पोजीशन है वो 22000 रुपये टन है, अगर इस तरह का रेट कोयले का रहा तो ईंट बिल्कुल बहुत महंगी होंगी। और महंगी क्या होंगी, अगले साल जो सीज़न है वो भट्टे का हो, भट्टे भी नहीं चला पाएंगे। तो इसमें सरकार को बहुत देखना है कि भाई इस कोयले के रेट को कैसे कम किया जाए और ये व्यापार चल सके। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट आ रहा है? पहले रेट था 9000 से 10000 रुपए टन, आज जो रेट है वो 19000 से 22000 रुपए टन है। तो इतने लागत दुगने से ज़्यादा बढ़ने पे भट्टे चलाना बहुत मुश्किल काम है और ईंटों के रेट और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तो जो रेट हैं वो ऐसे ही हैं, पर अगर इसी तरह कोयले का रेट बढ़ता रहा तो बहुत आगे समस्या आएंगी और भट्टे चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। वो अपने भारत में जो कोयला निकलता है उसका प्रयोग कम हो रहा है क्योंकि भारत में कोयला निकलता है, आप लोग यूएसए का कोयला यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो भट्टे के जो हाई ड्राफ्ट भट्टे हैं इसमें जो यूएसए कोल है इसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है और वो कोयला साथ के साथ काम करता है, साथ के साथ जलता है। जो इंडियन कोल है, पहली बात तो जो माइंस हैं वो अभी खुली नहीं है पूरी तरह, और उनकी जो सीवी है जिसे आप जीसीवी बोलते हैं वो बहुत कम है, उनकी जो जीसीवी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस कोयले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम यूएसए कोल का प्रयोग करते हैं। जीएसटी हमारे ब्रिक क्लिन पे पहले 5% थी और एक स्कीम थी 1% में कंपोजिशन स्कीम, अब जो 5% है उसको 12 है किया जा रहा है और जो 1% थी कंपोजिशन उसको वो 6% कर रहे हैं। अगर ये इस तरह 12 है और 6% हुई तो ये आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा और ईंटों के रेट और ज़्यादा आगे बहुत बढ़ेंगे। तो इसलिए सरकार को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जो हमारे ब्रिक क्लिन के ऊपर 5% और कंपोजिशन जो एक है वो ही रखी जाए। तो जैसा कि सरकार ने किया है कि सिर्फ 3 महीने भट्टे चलाने की जो बात कही है, उससे भट्टा मालिकों पर किस तरह से प्रभाव है? देखो ये तो एक तरह से एनसीआर में एक्चुअली है क्या कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए भट्टे जो है वो सर्दियों में नहीं चलाए जाते, भट्टे मार्च से और 30 जून तक चलाए जाते हैं। तो अगर वो भी एक तरह से हम वॉलेंट्री भी ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई पोल्यूशन की बात है तो सर्दियों में भट्टे ना चलें, मार्च से जून चलें और उसमें हमारा काम चल जाता है। पर 2 साल से एक बेमौसम जो बरसात है उसने भी इस भट्टा ट्रेड की कमर तोड़ रखी है और बड़ी नुकसान है भट्टे में हमें। सरकार से किस तरह की मांग है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, किस तरह सरकार को हम कोयले के लिए मेमोरेंडम और जीएसटी के लिए तैयार किया जा रहा है, सभी MLA MPs और प्रधानमंत्री तक देंगे कि जी इसको आप रिवाइज जैसे पहले था GST उसी में किया जाए जो ऐसे पहले भट्टा ट्रेड चल रहा था, और जो कोयले का जो इंटरनेशनल ये मामला चल रहा है इसको सुलझाया जाए और जो हमें यूएसए कोल है वो हमें उसी रेट मिले तो हम ईंट बना पाएंगे, वरना हम ईंट नहीं बना पाएंगे। और आगे आने वाले समय में जो आने वाला समय है उसमें ईंटों के रेट आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।